एक बहुत स्पेशल दिन है पाकिस्तानियों के लिए और हम लोगों को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और इसकी खुशियां मनाना चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर दी और पाकिस्तान बनाया, तो हमारे लिए वो बड़े मोहतरम हैं। और उसके साथ साथ आज क्रिसमस का भी दिन है, तो मेरी क्रिसमस टू ऑल द क्रिश्चियन ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में जो ये दिन मना रहे हैं, और हम भी उनकी जो खुशियाँ उनमें शरीक है। और उस हवाले से हमने आज ये क्या कहते हैं कायदे आज़म डे पे एक एग्जीबिशन मैच रखा हॉकी का, क्योंकि हॉकी हमारा कौमी खेल है और हम चाहते हैं कि हमारे हीरोज़ जो हैं वो एक दफ़ा फिर से इस ग्राउंड में आएँ और इस ग्राउंड को जो इसका जो मज़ा है उसको दोबाला करें। मैं आई वांट टू स्पेशली थैंक ऑनरेबल मिनिस्टर असफर अली नासिर साहब जो औकाफ के मिनिस्टर हैं एंड मंसूर कादर साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ये यहाँ पर आए और हमारा हिस्सा बने और हमारे साथ आकर यहाँ पर स्पोर्ट्स को फ़रोग दे रहे हैं। देखें जिस तरह हमने कहा कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे चीज़ों के ऊपर, हम चाहते थे कि हम चीज़ों को बेहतर बनाएं, एक अच्छी डायरेक्शन पे चलें, और ये जो हॉकी लीग है वो भी उसका एक जो है एक इनिशिएटिव है। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम काम कर रही है उसको बिल्कुल सराहना चाहिए, और हम से जो हो सकेगा जितना हो सकेगा वो हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स और उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। देखिए जो ओहदों की तब्दीलियाँ ना उनके बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारे डीजी स्पोर्ट्स है डॉक्टर तुफैल साहब वो ऑलरेडी जो एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन है उनके साथ जो है उनके रवाबत हैं और कोशिश की जा रही है कि हम यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस भी करें। एक दफ़ा फिर ये वो ग्राउंड है जिधर हम लोग ख़ुद बैठ के मैच देखा करते थे, आके अपने हीरोज़ को देखते थे। आज हमारे साथ अख्तर रसूल साहब भी हैं, तो इन लोगों को हम लोगों ने खुद ग्राउंडों में आके देखा है, इनकी गेम को देखा है, और उससे हम लोग बड़ा लुत्फानंदोज़ होते थे। तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है जिस तरीके से हमने कहा कि डीजी साहब जो हैं इस पर ऑलरेडी काम करें और इंशाल्लाह वो फुली फेडरेशन से साथ मिल के हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल हॉकी को एक दफ़ा फिर वापस लेके आ जाए। ये लोग खुद अपने अंदर एक पूरी पूरी दास्तान है, लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी जो है बिल्कुल दरबदर है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सियासत क्या हो रही है, एक बंदा आता है पूरा दस्ता लेकर आगे आगे बैठ जाता है, दूसरा चला जाता है, कितना बीइंग ए प्लेयर कितना हार्डफुल है आपके लिए? देखिए प्लेयर्स के लिए ये हमेशा मुश्किल रहा है, क्योंकि जो एसोसिएशन और फेडरेशंस के इशू रहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान होता है वो प्लेयर्स को होता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना कि हमारे हीरोज़ कौन हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन एक जो है वो बहुत ज़रूरी काम है। और तभी हमने आज अपने जो ओलंपियंस हैं, जो हमारे हॉकी इंटरनेशनल, जो हमारे वर्ल्ड कप चैम्पियंस हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि लोग आके अपने हीरोज़ को पहचानें। जब तक लोग अपने हीरोज़ को नहीं पहचानेंगे, लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक लोग उन लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी किस्म का भी स्पोर्ट्स में किसी किस्म का भी कोई फ़रोग नहीं है, कोई हलचल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेप नॉट ओनली कि जी हम कायदे आज़म डे को सेलिब्रेट करें, बट ऑल्सो कि हम लोगों को उस अवेयरनेस दे के ये हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया और पाकिस्तान का नाम इतना ज़्यादा रोशन किया। देखिये जो फंडिंग है ना वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर है, हम लोग अनफॉर्चुनेटली पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, और हमारा जितना काम है जिस तरह हमने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को आगे ले के चलें, जो हमारे हाथ में है हम वो कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपने जो जूनियर हॉकी है उसका कैंप लगा था, उससे पहले पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम का कैंप लगा था। हम लोग एज़ अ पंजाब जो नेशन है वो जितना एज़ अ पंजाब जो सूबा है वो जितनी उनको मदद कर सकता है हम उसके लिए हाजिर हैं और वो हम करेंगे। जो बाकी टेक्निकल चीज़ें या टेक्टिकल चीज़ें जो हमारे बस में नहीं है उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि हमें कमेंट भी करना चाहिए। थैंक यू।